पर ठीक है उस पर भी बहुत जल्द बढ़ेंगे पर उससे पहले बहुत सारे चेंजेस हुए रोहित आपके ऑर्ग में बहुत सारे चेंजेस हुए कोलैब हुआ है आपका टीम के साथ कैसा है वो कलेबोरेशन और फ्यूचर क्या है या उसकी प्लानिंग किस तरीके से अभी तक रही है तो प्लानिंग ऐसी रही थी दैट uh, हमारा जो भी थोड़ा खराब रन हुआ था आफ्टर डूइंग वी वर डूइंग विद सी मुझे को रिटेन करना था ऑर्गेनाइजेशन में एंड अ प्लान ऑफ प्लेइंग विद स्काउट तो उसके बाद मेरी और स्काउट की थोड़ी डिस्कशन हुई गोली भाई गाय डिस्कशन हुई और उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि एक्सपाक इज़ अ वेरी गुड बीच ऑफ टीम हमने सारे स्पोर्ट्स में अच्छा किया है बीच में हमेशा थोड़ा डामा डोल रहा है तो उसके बाद वी वर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू सपोर्ट द बेस्ट बैट मोबाइल इंडिया टीम मतलब पहले ही एक टीम होगी जो दो बार ऑफिशियल बैक टू बैक जीती है तो इट वॉज मतलब अ नो ब्रेनर फॉर मी के वो टीम सपोर्ट करनी है एंड स्काउट के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप रिलेशनशिप भी है मतलब यू नो ही इज़ लाइक अ फुल ऑन गेमर हम साथ में काउंटर स्ट्राइक और काफ़ी सारे गेम्स भी खेलते हैं तो विजन मैच हो रहा था एंड यू नो ही विजन विद यू नो द टीम एंड आयली प्लस मुझे भी और हम मेरे आ, और को भी बहुत कुछ सीखने मिला एक्सपाक से इन डॉवलो हाउ दे बिल्ड लाइक अ होल सिनर्जी आउट गेम और जो माहौल है मैं एक्चुअली उसके घर पे भी गया था जो उसका बूट कैम है जहाँ पे सारे प्लेयर्स रहते हैं और वो पूरा माहौल देख के ऐसा लगा कि अगर टीम्स एक्चुअली ऐसे रहने लग गए ऑब्वियसली इन गेम परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आएगा तो बढ़िया था एंड लॉन्ग टर्म में यही है हमने पोकी मॉन यूनाइट में भी कोलैबरेट किया और भी गेम्स में देख रहे हैं हाउ वी कैन कोलेबरेट एंड मेक दिस रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपाक एंड रेवन मोर होलिस्टिक तो ऐसा भी हमारा ऐसा भी नहीं था कि हमको पूरा बहुत बड़ा नेम चेंज या रीब्रांड करना था वी वॉन्टेड द एक्सपाक फैन्स एंड द रेवन फैंस टू यू नो रेजनेट विद बोथ द ब्रांड्स तो वही था एंड लॉन्ग टर्म में और भी काफ़ी कुछ दिखेगा वी आर नेवर रियली स्ट्रॉन्ग इन द होल क्रिएटर वर्टिकल तो अभी आपको बहुत सारे क्रिएटर्स भी दिखेंगे आते हुए तो प्लान्स तो बहुत सारे हैं एंड अभी एक एक करके सब रिवील होगा मतलब काफ़ी टाइम से घा घातक भाई और मुझे काम करना भी था साथ में तो ऐसे नो ब्रेनर तो नहीं था बट हाँ आई थिंक फ्रॉम एन आउटसाइडर्स प्रोस्पेक्टिव लोगों को लगा कि यार ये कैसे हो गया क्योंकि उसके पहले भी कुछ बात नहीं हुई थी और सडनली मीटअप पे उसको अनाउंस कर दिया तो ऐसे ऑकवर्ड नहीं होता क्योंकि भाई अगर पहले के हम स्ट्रीम्स वगैरह देखें स्काउट और घातक के बीच में बहुत सारी चीज़ें थी ऐसा तो ऑकवर्ड नहीं होता कि क्योंकि भाई जितने अटेंड करने के लिए आए थे या जो लाइव स्ट्रीम देख रहे थे सब एकदम चौक गए कि भाई यार कल तक तो पूरा ऐसा हो रहा था अभी ऑकवर्ड तो सिचुएशन और ऐसा कुछ यार ऑकवर्ड सिचुएशन की तो बात नहीं वो तो हमने यू नो ऑफलाइन वो सब तो क्लियर हो गया था हुँ। दोनों के बीच में बट उसके बाद हमेशा यार एक सरप्राइज पैकेज तो आना चाहिए तो एडिंग हद हाँ तक देयर इवन मान चाहे मैटर ऑफ फैक्ट तो अभी तो और आने वाले सरप्राइज पैकेज हैं